हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज लकी फादर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फादर। सो फाइनली गाइस, फाइनली जैसे कि आपको पता ही है कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है। सो मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई डेली के आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट मिलते रहेंगे। सो जैसे कि मैंने आपको रोज डे प्रपोज दिया है, चॉकलेट डे के ऊपर कॉन्सेप्ट 3 दे चुका हूँ, जिसने नहीं लेके जाके देख लो भाई, ठीक है। एंड आज आपके लिए जो लेके आए हैं कॉन्सेप्ट, वो है हमारा चैरिटी डे के ऊपर। तो काफ़ी बंदे बोल रहे थे कि भाई इसके ऊपर ही बनाया जाए, तो मैंने आपको बोला था कि ये पूरा वीक हमारा इसके ऊपर भी चलेगा। तो आज मैं आपके लिए इसी को कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, ताकि मैंने जैसी एडिटिंग की आप भी वैसी कर पाएँ। और इस एडिंग जो भी बैकग्राउंड पेज यूज करूँगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इधर ही जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हमारी वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट को ओपन करने के बाद प्लस पे टाइप करेंगे और अपने बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। क्रॉप पे जाके, पहले वाले टूल्स पे जाके क्रॉप पे जाके इसको साइड से क्रॉप कर देना, इस साइड से भी इसको क्रॉप कर देना है। सही हो गया। सो भाई अभी क्रॉप हो गया है, अभी क्या करेंगे, एड फोटो में जाएंगे एंड अपने जो कटआउट मैंने किया हुआ है पहले से, अगर आपको नहीं आता कि अपनी कटआउट कैसे करते हैं या इरेज कैसे करते हैं बैकग्राउंड को, तो उसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि मैं कैसे करता हूं। सो आप भी इजीली वहां से कर सकते हैं। सही हो गया। तो इसकी ऑपेसिटी को मैं भी कम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां पे इरेज करना है, तो ऑपेसिटी कम करने के बाद अच्छे से इरेज हो जाएगा यहां से। तो ये देख सकते हैं आप, यहां वाले साइड से इसको इरेज कर देना, सारी कॉर्नर वाली साइड तक ना इरेज सारे को कर देना, ठीक है। अभी हम इसको फुल कर देंगे एंड डुप्लीकेट ले लेंगे इसकी, एंड इरेजर पर जाएंगे इसको इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अभी हमारे हैंड को इरेज नहीं करने, बाकी सारी बॉडी का पार्ट जो यहाँ पे ना उसको इरेज कर देना, सही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो मैं सिर्फ हैंड बचा रहा हूँ क्योंकि मुझे हैंड वहीं पे रखनी है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा डन हो गया एंड यहाँ पे इसको अच्छे से वहाँ पे सेट कर लेना है, अच्छे से परफेक्ट तरीके, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए यार, अच्छी नहीं लगती फिर। सो यहाँ पे अच्छे से अपने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद एडफोट में जाएंगे, एक ब्लैक कलर की पीएनजी ले लेंगे शेडोज़ के लिए, ठीक है। मूव डाउन कर देंगे, इरेजर पे जाएंगे इन्वर्ट कर लेंगे एंड ब्रश सेलेक्ट करके ना हार्डनेस फुल कम एंड ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम करके साइज़ अपने हिसाब से रख लेना है। सही हो गया भाई, मैं काफ़ी तेज़ बोल जाता हूँ, सो उसके लिए सॉरी यार। सो वीडियो को थोड़ा स्लो कर लिया करो या एक दो बार देख लिया करो भाई वीडियो, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। यहाँ पर इसको साइज़ कम कर देंगे, सही हो गया। अभी हम इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे, यहाँ पे उसको परफेक्ट सेट कर लेना है। एक हाथ से आपने क्या करना है, वहीं पे रख देना है। कलर पे जाएंगे एंड यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे ह्यू को, एंड इसके जो फेदर है इसको कम कर देंगे, अच्छा नहीं लग रहा यार। यहाँ पे जाएंगे एंड इसको वही वाला लास्ट वाला रखेंगे एंड यहाँ से हार्ड लाइट ले देंगे, क्योंकि हमें ना टेडी बियर के साथ ही अपना जो है वो फेस मैच कराना है, क्योंकि वहाँ पे रेड लाइट जो आ रही है हमारे फेस पे नहीं आ रही। तो इसके लिए हम ऑपेसिटी और हार्डनेस को कम कर देंगे एंड यहाँ पे अच्छे से हमारे फेस पे जो फेर देंगे, ठीक है। ठीक है, सो अच्छे से मैं इसको फेर देता हूँ, क्योंकि हम ज़्यादा भी कर दें कोई बात नहीं, फिर हम क्या करेंगे उसको थोड़ी सी उसकी ऑपेसिटी जो है कम कर देंगे, सही है। अभी यार पता नहीं, बोलने नहीं यार आज क्या मसला है, ऑपेसिटी को यहाँ पे इसको कम कर दिया एंड अभी ये वाला लास्ट नीचे वाला जो एरिया है इसको हम रिमूव कर देंगे। अभी डन हो गया, अभी हम इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देंगे यार, जहाँ तक आपको सही लगे वहाँ तक रख लो फिर, ठीक है। एंड ब्रश ले लेंगे और मुझे जहाँ पे नीड लग रही है मैं वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इसको, ऑपेसिटी हार्डनेस को कम एंड साइज़ अपने हिसाब से रख के ना मैं यहाँ पे इसको अच्छे से फेर देता हूँ। जहाँ जहाँ पे मुझे नीड लग रही थी कि भाई इसकी ज़रूरत है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। सही हो गया, अभी हम इसकी ऑपेसिटी को कम कर रहे हैं। ऑपेसिटी को कम करने के बाद बैग यार टेडी बेयर के साथ मैच कर जाए, इतनी ऑपेसिटी रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। सो अभी यहाँ पे जो है हमारा वर्क जो है काफ़ी सारा हो चुका है एंड हो जा भाई। सो यहाँ पे डन हो गया, अभी इसी डुप्लीकेट ले लेंगे, ठीक है। अभी हमारे हैंड की डुप्लीकेट लेनी है, मूव डाउन करके हमारा हैंड सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो अभी वहाँ पर एंड उस साइड पर एंड जो हमारा यहाँ पर जो था सॉफ्ट लाइट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड इरेजर नहीं ब्रश ले लेके यहाँ पे हमारे हैंड पे यहाँ पे अच्छे से फेर देना है। सही हो गया। एंड अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा वर्क सारा डन हो चुका है, सही हो गया। अभी हम इसको अप्लाई करेंगे एंड अभी चलेंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद ये
पास वाला ही सॉफ्ट ब्रश ले लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कलर पिकर पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करोगे ना थोड़ी देर होल्ड करके रखो एक दो सेकंड, सो ये कलर पिकर आ जाएगा। सो हम यहाँ वाला जो कलर पिकर है वो ले रहे हैं, एक लाइन खींच देंगे। एंड अभी क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे और इसको फुल बड़ा कर देंगे, ठीक है। हमारे फेस और बॉडी के ऊपर ही मुझे रखना है, क्योंकि वो उसके साथ बैकग्राउंड, सॉरी टेडी बियर और बैकग्राउंड के साथ मैच कराना है अपने फेस को और बॉडी को, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा सही लग रहा है। सो आप भी देख लीजिएगा, मैं आपको बस बता देता हूँ कि सबसे पहले जो मल्टीप्लाई वाला है वो सही रह गया रहेगा, सही है। सो यहाँ पे ये हो गया, अभी हम क्या करेंगे भाई, अभी इसका जो ऑपेसिटी है उसको कम कर देंगे, सही है। ये ऑपेसिटी कम हो गई, सो जितना आपको नीड है वहीं उतने ही रखे, ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करते। सो यहाँ पे भाई इतना हो गया है हमारा। एंड यार थोड़ा इशू तो लग रहा है मुझे। सो अभी मैं इसकी ना टैप करके इसकी ऑपेसिटी को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हाँ अभी सही लग रहा है, इसको अभी सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं लाइट रूम में, लाइट रूम में जाने के बाद ऐड फोटो में जाएंगे, अपनी इसी पिक्चर को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी को सिलेक्ट करके ना अभी हम इसके ऊपर एडिंग करेंगे। सबसे पहले हमारा सूरज वाला जो बना हुआ है उस पर जाएंगे, एंड हाईलाइट को इसको यार नहीं छेड़ता है, इसको रहने देते हैं। शेडोज़ को बढ़ा देते हैं, सही है। वाइट को बढ़ा देते हैं, ब्लैक को कम कर देते हैं, सही हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा टेम्परेचर को माइनस में लेके जाएंगे, टिंट को बढ़ा देंगे, सही हो गया। कलर मिक्सर पे जाएंगे, रेड जो हमारी हुडी और फेस के लिए जो आ रहा है अभी, सो उसको ह्यू को कम एंड सेचुरेशन को बढ़ा देंगे। ये हमारी ल्यूमिनस बढ़ा रहा हूँ इसकी, ये फेस के लिए होता है हमारे। एंड इसकी सेचुरेशन को कम कर देंगे, इसकी सेचुरेशन को भी कम कर देंगे, इसकी सेचुरेशन को भी कम कर देंगे, सही हो गया। इसकी सेचुरेशन को बढ़ा देंगे एंड इसके ह्यू को भी बढ़ा देंगे थोड़ा सा, ठीक है। सो ठीक है, इसके सेचुरेशन को कम कर देंगे, इसकी सेचुरेशन को भी कम कर देंगे, सही हो गया। अभी नेक्स्ट आ गया ग्रेडियंट, शेडोज वाला ग्रेडियंट, सो हम इसको पिंक की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। अभी आ गया हमारा हाईलाइट, सो इसको अभी हम कहाँ पे रखें जो सही रहेगा भाई। सो पिंक पे सही नहीं लग रहा, सो अभी हम इसको ब्लू की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सही लग रहा है अभी, सो डन। अभी नेक्स्ट आ गया हमारे इफेक्ट पे, टेक्सचर को इसके बढ़ा देंगे, क्लैरिटी को कम कर देंगे, डिकेज को भी बढ़ा देंगे एंड विगनेट को कम कर देंगे। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बिफोर एंड आफ्टर। सो देख सकते हैं एकदम लेवल का लुक आ चुका है हमारी पिक्चर के अंदर। सो भाई सब्सक्राइब करके रखो, बेल को दोबारा से ऑन कर दो, एंड आपको वैलेंटाइन डे का कॉन्सेप्ट भी आने ही वाला जल्द। सो अल्लाह हाफिज़।